एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज जो सॉन्ग मैंने चूज़ किया है वो है एमसी इंसेन का। सॉन्ग का नाम है गंदी पारो और साथ में लिखा हुआ है अ बैड एक्स स्टोरी। तो क्योंकि इसका जो थंबनेल है वो भी कुछ ऐसा ही है, जो सामने एक सैड सा बॉय लग रहा है वो आई थिंक एमसी इंसेन है, और पीछे एक पारो बैठी हुई है वो है बैड पारो, मतलब गंदी पारो। आई एम थिंकिंग कि इस सॉन्ग के अंदर उसकी स्टोरी है, ऑब्वियसली एक्स की स्टोरी है, उसमें उसने कुछ धोखा वोखा दिया होगा आई गेस। बाकी अभी सुनेंगे तो पता चलेगा। और ये ऑफिशियल वीडियो है, वीडियो नहीं है, ऑडियो है। तो बस सुनेंगे और समझेंगे कि क्या बोला गया है, स्टोरी में क्या है, और वो जब घुसेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारो तुम आती हो याद अभी तो बाकी है रात, आनी है बहुत सी याद। पारो के पीछे हम पागल थे, पारो लगी हमें बहुत ही सुंदर, पारो को कैसे पटाए पर दोस्त ने दिया था पारो का नंबर। मैंने भी दे डाला टेक्स्ट, फाइल फट गई मेरी, मैं डरा पर मैं भी हैरान जब देखा कि पारो ने मुझे रिप्लाई भी करा। फिर तो भाई आ गया जोश, पारो के साथ करा फ्लर्ट पे फ्लर्ट, पारो भी दे रही लाइन, गर्लफ्रेंड मेरी बन गई। दोनों फिर हो गए क्लोज, में मिलने भी जाता था उसके स्कूल, वो टेम्पो में और मैं स्कूटी में, उड़ा डाला सारे रास्ते का धूल। हुआ नहीं मुझे कोई डाउट जब रोज रोज पारो मांगती कैश, मैं तो भाई डूबा था प्यार में, तेरे ही किस वो तेरे ही सेक्स, मुझ में नहीं था दिमाग, मुझे तो हुआ था टूरू लव, मुझे तो लगा हम करेंगे शादी पर कहानी शुरू। रिश्ते तो बनते हैं ट्रस्ट और लव से, लस्ट और हक से नहीं, पर पारो के अंदर आ गई चेंजेस, वो पहले जैसी थी नहीं। जब तक था स्कूटी और कैश, पारो यारा मेरे आसपास थी, और जब भी बोलता नहीं है कैश, पारो क्यों दूर जाती। मुझे भरोसा पारो के साथ जो मेरा वो किसी के साथ नहीं, बाद में पता चला पारो एक नंबर रंडी, वो सभी के साथ थी। पारो तुम आती हो याद अभी तो बाकी है रात, आनी है बहुत सी याद। पारो एमसी इंसेन के मैंने बहुत सारे गाने सुन लिए हैं, बट इस टाइप का सॉन्ग फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और आई थिंक अभी तक, मतलब जब तक ये वीडियो आई थी, क्योंकि मैं इसको लेट सुन रही हूँ, 6 डेज हो चुके हैं, इससे पहले तक का ऐसा मुझे लगता है अभी तक तो कोई वीडियो निकाला भी नहीं होगा, ये फर्स्ट ही है। क्योंकि ऐसे, मतलब जो ईमो रैप्स तो हमने सुने हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है, या यूँ कह लो कि वो यार ऑब्वियसली दिल टूटा है, धोखा मिला है, तो उसके ऊपर है ये पूरा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, वरना एमसी इंसेन को मैंने नहीं सुना ऐसे बिल्कुल भी। सुनते हैं आगे, धोखा मिल चुका है, अब आगे दिखते हैं क्या क्या होता है। वो बर्थडे का केक, वो मोबाइल रिचार्ज, वो टैक्सी का भाड़ा, पारो के झूठे प्यार ने बजा डाला मेरे लाइफ का बारा। आंखें खुली जब दोस्त ने मेरे करा एक फोटो शेयर, बात है उस दिन की बोली वो घर में, पर घूम रही शहर वो भी उस लड़के के साथ जिसे वो कहती थी बेस्ट फ्रेंड, पर उसी के दोस्त ने उसी को चोट के डाला फोटो ऑन द नेट। फोटो को देख के लग गया ट्रिप, साली वो पूरी थी नंगी, ऐसी एक पारो होती है सबके जीवन में, ये बात है पक्की। उसे बस करनी थी मौज, खाली भी कर दिया जेब, दारू उठाया रात को ब्लैक में, भाई तेरा बन गया दे। पारो तुम आती हो याद अभी तो बाकी है रात, आनी है बहुत सी याद। तो जैसा कि सॉन्ग में एमसी इंसेन ने ये बोला है कि इस तरीके की पारो, मतलब एक ना एक पारो ऐसे हर एक की लाइफ में जरूर होती है, तो उनका कहने का मतलब ये था कि लड़की, हर एक लड़के की लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई लड़की ऐसी होती है, एक ना एक बार ऐसा टाइम आता है जब उसको ऐसे धोखा दे के जाती है।
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा हो भी ना, क्योंकि आप किसी को इतना अच्छा, इतना दिल से प्यार करो और फिर आपको पता चले कि हाँ वो आपको धोखा दे के चली गई है, तो बहुत बुरा लगता है। बट मैं खुद एक लड़की हूँ, बट ये फैक्ट है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो पैसे के पीछे होती हैं। और देखो, जो तो लड़के भी ऐसे होते हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पर लड़के ऑनेस्ट होते हैं, जिनको नहीं समझ आता, जिनको ट्रू लव होता है, जैसे कि सॉन्ग के अंदर है ट्रू लव, तो उनको तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि लड़कियाँ जैसे लड़के ऐसे होते हैं वैसे लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं आजकल बहुत सारी, कि हाँ जो मतलब जस्ट यू नो यूज़ करके अपना मतलब निकलवा के और फिर ऐसे डिच कर देती है, और उसको पता चल गया वो तो उसकी वैसी बेस्ट फ्रेंड के थ्रू थी, और जिसके साथ उसने उसको पकड़ा वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसको बेस्ट फ्रेंड बताती थी मतलब। तो यही मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगेन वो मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे तरीके के लोग हैं। तो क्योंकि ये जो सॉन्ग था वो एक्स के ऊपर था, और पुरानी जो स्टोरी थी वो थी काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प स्टोरी थी, शॉर्ट में उसने अपना बता दिया गाने वाने के ज़रिए, और वो ये कह रहा है कि हाँ अभी पूरी रात बाकी है, मतलब वो सोने लगा एक रात की बात है और सडनली उसको याद आ गया, तो इस तरीके से उसने पूरे सॉन्ग के अंदर बताया है। सॉन्ग बहुत अच्छा था, डिफरेंट था, अभी तक के सारे सॉन्ग से अलग था, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो अब देखें कि क्योंकि अब ग्रोथ हो रही है, मतलब जो भी उसकी थिंकिंग है या लाइफ में जो जो भी हो रहा है वो धीरे 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 और आगे जो है एमसी इनसेन वो बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब और मतलब हमें और वैरायटी मिल रही है कि और क्या क्या एमसी इनसेन सॉन्ग्स के थ्रू बता सकते हैं, जो देखने में आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज, ये था मेरा आज का रिएक्शन इस सॉन्ग के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा था, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कुछ अलग किया है, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो गाइस, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले। ऑल्सो अब चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो अब चलते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।